क्या आप अपने करंट ब्राउज़र के स्लो और अनसिक्योर होने से परेशान हैं? तो आप स्विच करिए इनमें से कोई एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र। आज हम बात करने वाले हैं 8 बेस्ट क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र के बारे में। मैं भी कई सालों से क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र का ही यूज़ कर रही हूँ और अलग अलग ब्राउज़र्स को ट्राई भी किया है। यहाँ मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगी कि कौन सा मुझे बेस्ट लगता है, और अगर आप कुछ अलग ब्राउज़र फाइंड कर रहे हैं तो कुछ सजेशंस भी हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, और स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेक मोडेना पर। यहाँ पर हम लेकर आते हैं लेटेस्ट टेक अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स। अगर आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप अपने करंट ब्राउज़र के स्लो और अनसिक्योर होने से परेशान हैं? तो आप स्विच करिए इनमें से कोई एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र। चलिए देखते हैं 8 बेस्ट क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र्स। पहले हम बात करते हैं गूगल क्रोम के बारे में। यह सबसे पॉपुलर क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है। यह फास्ट, सिक्योर और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सिस्टम रिसोर्सेज का यूज़ करता है। माइक्रोसॉफ्ट एज, यह माइक्रोसॉफ्ट का नया वेब ब्राउज़र है और यह क्रोमियम बेस्ड है। इसमें कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो गूगल क्रोम में नहीं है, जैसे कि बिल्ट इन एड ब्लॉकर और ऑफलाइन आर्टिकल पढ़ना। मेरे हिसाब से एज फास्ट एंड सिक्योर ब्राउज़र है जो कई फीचर्स के साथ आता है। ओपेरा, यह एक नॉर्गियन वेब ब्राउज़र है जो अपनी कस्टमाइजेशन ऑप्शन के लिए फेमस है। इसमें बिल्ट इन VPN और एड ब्लॉकर भी है। मेरे हिसाब से ओपेरा फास्ट एंड कस्टमाइज करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। विवर्डी, यह एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है जो पहले ओपेरा के डेवलपर्स द्वारा बनाया गया था। इसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शन और प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिया गया है। मेरे हिसाब से विवर्डी कस्टमाइज करने वाले और प्रोडक्टिव लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ब्रेव, यह एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर फोकस करता है। यह एड्स और ट्रैकर को डिफ़ॉल्ट में ब्लॉक करता है और एक बिल्ट इन क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट भी ऑफर करता है। मेरे हिसाब से ब्रेव प्राइवेसी की चिंता करने वाले लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। टॉर्च ब्राउज़र, यह एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है जो अपनी मीडिया फीचर्स के लिए फेमस है। इनमें से एक बिल्ट इन टॉरेंट क्लाइंट और मीडिया प्लेयर भी है। मेरे हिसाब से टॉर्च वीडियोस स्ट्रीम करने के लिए और टॉरेंट्स डाउनलोड करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। SRWare Iron, यह एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है जो गूगल क्रोम से ज़्यादा प्राइवेसी फोकस्ड है। यह एड्स और ट्रैकर्स को डिफ़ॉल्ट में ब्लॉक कर देता है। कुछ और प्राइवेसी फीचर्स भी हैं। मेरे हिसाब से SRWare Iron प्राइवेसी को लेकर सीरियस लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। Epic प्राइवेसी ब्राउज़र, यह एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है जो प्राइवेसी को मकसद बनाता है। यह एड्स, ट्रैकर्स और कुकीज़ को डिफ़ॉल्ट में ब्लॉक करता है। कुछ और प्राइवेसी फीचर्स भी हैं। मेरे हिसाब से प्राइवेसी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। यह कुछ क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र्स हैं। बेस्ट ब्राउज़र आपकी ज़रूरत और पसंद पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि कौन सा ब्राउज़र चुनना है, तो मेरे हिसाब से आप इनमें से कुछ ब्राउज़र्स को ट्राई करें और देखें कौन सा आपको पसंद आता है। आप किस क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से अधिकतर लोग गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं। ये फास्ट, सिक्योर एंड फीचर रिच है, लेकिन प्राइवेसी को लेकर ब्रेव, एपिक प्राइवेसी ब्राउज़र और SRWare Iron को यूज़ कर सकते हैं। मीडिया रिच फीचर के लिए आप टॉर्च ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।